मुश्किल थे। मैं हमेशा सोचता था कि जिस दिन मेरी फिल्म आएगी तो एक साइड पे मैं अम्मा को बिठाऊंगा, एक साइड पे बाबा को बिठाऊंगा और बैठ के मैं फिल्म देखूंगा। और जब मैं अपने प्रीमियर पे अपनी मूवी देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू, तो कंपन की कमी कोई महसूस मतलब पूरी नहीं कर सकता। वो रिश्ता बाकी दोस्त है, मोहब्बत है, बहुत चाहने वाले हैं। मुझे लगता है कि जितनी बहनें मेरी या पूरे पाकिस्तान के अंदर शायद ही किसी की हो, तो वो मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन माँ की मोहब्बत की कमी नामुमकिन है जी कोई पूरी कर सके। लेकिन आपके दिल में कोई बात है अपनी अम्मा से कहने के लिए तो आइए मेरे साथ 111-000-101 मुझसे रब्ते का नंबर। मेरा नाम मानी है जी, सोशल जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? शाजिया कहाँ से बात कर रही हैं आप? मरी से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? अच्छा, आज आपका दिल कर रहा है इजहार करने का है तो जरा दिल से बोले ना उनको, प्यार से। जरा वो सुन रही है, कहीं पे बैठी आपको सुन रही है, बोले। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, डांट पड़ती थी अम्मा से? अच्छा, क्या आखिरी डांट बताओ। चलो दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी ना, तो मेरे बाल बहुत बड़े थे, बाल आगे किसी मैंने अम्मा को डराया है ना, अम्मा मुझे ऐसे छुपी हुई थी, मेरे अम्मा को ऐसे आग कह करके ऐसे डराया है ना, तो अच्छा माँ की यादें भी ना हंसाती भी हैं, रुलाती भी हैं। अगर मतलब मैं, मुझे याद आता है कि आखिरी दफा जब मैं अम्मा, आखिरी दिन था मतलब सुबह उनकी डेथ हुई फजर के टाइम पे, तो रात को ना मैंने उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में उन्होंने जाना था, वो कह रही थी मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ पे तो मुझे दूसरे कमरे में लेके जाओ ना, तो वो बिस्तर से उन्होंने टांगे नीचे उतारी तो मैंने कहा मैं उठा लूं, तो आगे से कहती वो कमीनिया मतलब वो जी होता डांटने वाला स्टाइल, तो वो मुझे आखिरी डांट जो थी वो मेरी अम्मा से वो पड़ी थी, और उसके बाद फिर आज तक सोचता रहता हूँ कभी ख्वाब में ही आके डांट जाए, आती ही नहीं है। आखिरी मुझे अपनी अम्मी की आखिरी याद आज से पीछे हमारे गाँव में होता है ना खुली जगह गाँव है, तो इस मकान के पीछे ठहरी हुई, तो मुझे अल्लाह हाफिज कर रही थी ना शेर में, ऊपर काफी दूर से आ रही थी, वो बात हमेशा जाती थी वहां से मैं आती हूँ पीछे की तरफ देखती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बस इतना ही है, मुझसे और बात नहीं होगी। वालेकुम सलाम मान भाई, मैंने फिर से कॉल कर रही हूँ जी। असल में मैं आपका जो सुन रही थी तो पहले तो मैंने ठीक तरीके से बात नहीं की, मैं कुछ कंफ्यूज हो गई थी, फर्स्ट टाइम कॉल की मैंने, तो आपका शो सुनते थे मुझे बहुत खुशी बहुत पड़ी, क्योंकि मेरे दिल में कुछ बातें आ गई मम्मा की, कि जब मेरे सेकंड ईयर के पेपर्स थे तो मम्मा के पाँव पर फ्रैक्चर हो गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक ही बहन हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता मैं घर संभालूँ या फिर मैं अपने पेपर्स की तैयारी करूँ, मैं क्या करूँ, तो मम्मा ने मुझे कहा कि टेंशन ना लो, तुम अपने पेपर्स की तैयारी करो, घर का काम मैं कर दूँ, और मैंने फ्रैक्चर की हालत में सिर्फ मेरे लिए घर का काम संभाला, और मतलब फ्रैक्चर पांव की हड्डी टूट जाना इंसान से चला भी नहीं जाता। माँ की बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, हम सिर्फ गौर नहीं करते, पलट के देखते नहीं है, अगर पलट के देखे ना तो कसम से हम तो शायद उनकी आंखों में आंखें मिला के भी ना देखे। चले तो अभी भी मुझे गिल्ट फील होता है क्योंकि मेरे उस वजह से ये मेरे पेपर की वजह से मम्मा का पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ, मम्मा अभी भी रात को मम्मा से किस तरह चला नहीं जाता, वो बैठ के उसे किस तरह खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझे दुख होता है क्या मेरी वजह से क्या हो गया। एक काम किया करो, वो उन्होंने जो किया ना आपकी मोहब्बत के लिए किया, आप ना रोज अम्मा के पास जाके ना, आपसे बहुत प्यार करती हूँ ठीक है, बस आज से ना एक रूटीन बना लोगे, रोज उनको ना 2 से 3 दफा आई लव यू बोलना है ठीक है। नहीं मैंने आई लव यू तो मम्मा को कभी नहीं बोला, लेकिन कभी मुझे प्यार आता है, नहीं प्यार देखो देखो या फिर हग कर लिया ये सब चीजें कर लेती, आई लव यू मैंने कभी नहीं बोला। अच्छा मुझे ना एक यहाँ पे ना मैं एक रिलेट करूंगा रिश्ते को, मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है ना,
तो कहते हैं जी ये जो आई लव यू लफ्ज होता है ना, ये जो होता है ना, ये इसके अंदर जो है ना वो पानी की तरह होता है कि आप कहते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा। सो माँ बाप के लिए ये लाइन बोलते हुए पता नहीं इसका मतलब होता है मुझे आपसे प्यार है। तो ये सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं है, ये सिर्फ बीवी के लिए नहीं है, ये माँ के लिए भी लाइन है ना। बोलते क्यों नहीं हो नफरत का इजहार, तो बड़े बर्मला करते हो कि मुझे ये बुरा लगता है, ये बुरा लगता है। अगर माँ प्यारी लगती है तो माँ को बोलो ना, माँ बड़ी ब्यूटीफुल है। अगर मिस कर रहे हो तो बोलो ना आई मिस यू। ये तो करके कि मैं आपको याद कर रहा था, अगर आप उनको फोन करके बताएंगे कि मैं आपको याद कर रहा था, तो पता नहीं वो किस हालत में, किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठी होंगी, और उनको ये पता चलेगा कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है, और उनके दिल से पता नहीं क्या दुआ निकल जाए और आपके कितने फंसे काम जो है वो आगे निकल जाए। सो करो ना, फोन करो आज, अगर माँ पास नहीं है तब फोन करो। बहुत प्यार कर। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। चले मैं आपको बता देती हूँ, मुझे पता चल गया कि आपने कौन सा टॉपिक रखा हुआ है। अफसोस तो बड़ा हुआ कि जब आपने कॉल काटी ना तो शायद कॉल नहीं काटी बल्कि दिल ही टूटा यहाँ से। एक भाई का एक बहन का मान होता है, और इस भाई ने कम से कम बता देना था कि मैंने ये टॉपिक रखा, आप बात बता दें टॉपिक। चले आपको लग गया, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम नहीं सुन रहे तो फिर आप पूरे प्रोग्राम नहीं सुनने की बात नहीं है इमरान भाई। बात सुने ऑन एयर है, आप सारा पाकिस्तान सुन रहा है, स्टेट चैनल है। अगर आप कुछ कहना चाहती है अम्मा के बारे में तो वो बात करें, अगर नहीं कहना चाहती है तो ये जिस दिन मैं कोई और टॉपिक रखूंगा फिर गप लगाएंगे, ठीक है। नहीं मैं कहना चाहती हूँ जी, बोले मैं कहना चाहती हूँ, अब जो मैं कहूँगी ना वो सारे भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे जी। जबान से तो माँ को बारे में जो हम लोग बातें करते हैं ना, लोगों को सुनाते हैं, सही लफ्जों में कोई पूरा आते ही नहीं, ठीक है। ऐसा ही माँ जो जो माँ है ना, माँ वो है इसका माँ। अब अगर हम जो कहें कि भाई माँ से हम प्यार करते हैं, अब माँ बेचारी घर का काम कर रही है, ठीक है, बेटी घर में कमरे में बैठ के टीवी देख रही है, उसको कोई परवाह नहीं, मेरी माँ अकेले काम कर रही है, थकी भी रही है, बेटी को कोई पता नहीं है कि माँ मेरा अकेले घर संभाल रही है। अगर मैं माँ का साथ हेल्प करवा दूँ, किसी मुश्किल से काम करी मैं हेल्प करवा दूँ, किसी भी काम में हेल्प करवा दूँ, थोड़ा सा हमें भी एहसास होना चाहिए कि हमारी माँ अकेला काम कर रही है, ठीक है। असल चीज ये होती है मोहब्बत और प्यार। हम तो सब कह देते हैं हमें माँ बहुत प्यारी है, माँ बहुत प्यारी है, माँ बहुत प्यारी है, लेकिन जरूरी तब है कि हम अपनी माँ का ख्याल तब रखें जब वो अकेला घर को काम कर रही, तो हमें उसमें हाथ बिताना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। और एक और बात जी जान भाई, माँ जो है ना किसी तरह का क्या कमी नहीं है, आपने कुछ टाइम बताया था कि आप कमी नहीं है, यकीन करे ना बिल्कुल। आगे तो पहले मैं आपको भाई क्या चीज थी बिल्कुल, मैं आपको इतना चाहने लग गई ना, तो मैं यही सोचाती थी कि मैं मेरी वजह से अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो शायद मुझे इससे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा, कोई मेरे लिए बात नहीं है। बहुत और हमारी कोशिश होती है लिस्टनर्स की कि आप भाई हैं हमारे, और आप इतनी मोहब्बत करें और तेज हैं ताकि आपको अपनी वालदैन की कमी महसूस ना हो। अल्लाह आपको खुश रखे, और मेरी ऐसी ऐसी बहनें हैं जो कि हमेशा मुझे खुश रखती हैं और बहुत प्यार करती हैं। मैं कहता हूँ कि अगर फैमिली के बाद मुझे प्यार की जरूरत पड़ी है तो मेरे वो चाहने वाले हैं, इनका प्यार मैं, इनका अपनी अम्मी से गुस्से में अगर बात कह दूँ तो मेरी अम्मी से जब मैं चेहरा देखती हूँ ना तो ऐसे ऐसे जब मैं उनके अभी उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे तो मुझे इतना दुख होता है, फिर मैं उनको बहलाना शुरू कर देती हूँ, हल्की होगी मुझे तो लगती है मुझे ये बात नहीं करूँगी, मैं अपनी अम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब खुद देखिए मैंने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी अपनी वालदा की वजह से, मैंने नजीर नहीं पढ़ा, चलो मैंने कब प्राइवेट पढ़ लूंगी, जहाँ मेरी माँ है वहाँ मेरी पढ़ाई नहीं है। अगर जो वक्त मैं अपनी अम्मी की खिदमत में गुजार दूँ ना तो शायद मुझे इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी, क्योंकि कोई पता नहीं कि किस भी वक्त भी है मेरी माँ की सांस अगर चली जाएगा ना करे तो शायद मेरी दुनिया मुझसे छिन जाएगी। और अब मैं सारा दिन घूम कर मेरा घर का इतना काम होता है, चले ठीक हो गया, लंबी लंबी कॉल हो गई है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, आखिरी मिनट चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, जीती रहो। वेल जी नेक्स्ट आगे चलेंगे और बात करेंगे लोगों से 3 मिनट के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? हूर कीपी के से। हूर क्या हाल है? हूर अच्छे हाल है। क्या कहना चाहोगे? ये मैं आपको सुन रही हूँ। अच्छा। और मैंने अभी आपके शो के जरिए से उनसे एक्सक्यूज करना है। अच्छा। क्यों मुझे नाराज लेती है ना, मतलब अच्छा। मुझे नाराज हो गई। चले आंटी सुन ले, आज आने आपसे मोहब्बत का इजहार करने लगी है, आवाज से तो लग रहा है प्यार करती है आपसे।
बहुत ज्यादा करती हूँ, मेरी दोस्त भी है, मेरी अम्मी भी है और सब कुछ है सब और कुछ। मैं उनसे आने भी ये कहती हूँ कि आई एम सॉरी कि मैंने मतलब जानबूझ के बोला था, मतलब इंटेंशन जो थी वो ऐसे मतलब उनको हर्ट करने के लिए थी और बात जो थी वो मैंने बिल्कुल ठीक हो, चले चले आंटी आज माफ कर दें, ठीक है। और आपका मैंने कह रहा था कि वो हमेशा आपके लिए दुआ करती थी, तो मतलब आने ज्यादातर हम सब जो है आपको मानी बोलते हैं, तो वो आपको मानी के नाम से जो है वो थी, तो उन्होंने मुझसे लास्ट पूछा था कि आपका अपना नाम क्या है, फिर मैंने आपका नाम बता दिया था, तो उसके बाद से वो आपका नाम लेके दुआ करती थी। जी मेरा नाम इमरान अली है और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे मौजूद है और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो इमरान अली मानी के नाम से ढूंढेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। बहुत शुक्रिया हूर आपका, आपने आज ऑन एयर अपनी अम्मा से माफी मांगी है, मैं कहता हूँ आज का शो सफल हो गया, एक माँ तो राजी हो गई। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मेरे पूरे 2 घंटे के प्रोग्राम में अगर एक बंदा भी हो, मेरे लिए बहुत है, मैं यहाँ पे लाखों करोड़ों को समझाने नहीं आया और ना ही मेरा कोई काम बनता है, मेरा काम यहाँ पे एज प्रेजेंटर ये बनता है कि मैं किसी टॉपिक को, किसी चीज को पिच करूं आपके सामने, फैसला करने वाला नहीं हूं, लेकिन ये वो रिश्ता है जिसको कि मैंने दरबदर होते देखे आजकल हम अपनी माँ को उतना टाइम नहीं देते, आजकल मोहब्बत का इजहार नहीं करते, एक गैप है बीच में माँ में और बच्चे में, बाप में और बच्चे में, जरूरी नहीं है, मैं माँ की बात नहीं कर रहा, वालदैन की बात कर रहा हूँ, हमें इनको टाइम देना है, इनसे जो हमें मिलेगा सीखने को वो हमें ना किसी फेसबुक से मिल सकता है, ना किसी व्हाट्सएप से मिल सकता है, ना किसी इंस्टाग्राम से मिल सकता है, ना किसी स्नैपचैट से मिल सकता है, ना किसी ग्रुप से मिल सकता है, ना किसी पेज से मिल सकता है। आप जब भी जो भी चीज शेयर करेंगी वो अपने 50 साल के एक्सपीरियंस से करेंगी, 60 साल के एक्सपीरियंस से करेंगी, सो जब घर में बाबे मौजूद होते हैं ना तो बाहर में किसी पेज के एडमिन को अपना बाबा समझने से बेहतर है कि अपने घर में बैठे अपने माँ बाप से मशवरा करो। और याद रखो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन जाता है आपका घर का, अगर आप माँ बाप को टाइम देते हो तो आपकी रूटीन अच्छी हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है, अच्छे बुरे वक्त में आपको पता होता है कि आज अम्मा को क्या है क्या नहीं है। सो जिनकी हयात है माएँ, आप लोगों के पास बड़ा मौका है जन्नत हासिल करने का। हमने बड़ी कहा ना जी, नमाजें पढ़ लें जन्नत मिलेगी, ये कर लें जन्नत मिलेगी, वो कर लें जन्नत मिलेगी, अपनी माँ के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आया करो एक दिन के अंदर, मेरा वादा है मिलेगी।